नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो आज हम जो है एक नए क्वेश्चन के साथ यहाँ पे आए हैं। इसको हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है, तो हमको इसमें दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखें कि हमको दिया गया है कोण ए और कोण बी, इसके बारे में अगर देखें तो इसमें हमसे कहा है कि ये क्या है, न्यून कोण है ना। तो अगर न्यून कोण है तो न्यून कोण को जानने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास कोण क्या होता है। अगर हम कोण की बात करते हैं तो कोण वह होता है कि अगर किसी एक बिंदु से कोई दो रेखा मिले तो वहां पे हमारे पास क्या बन जाता है, कोण बन जाता है। किसी भी बिंदु से अगर दो रेखाएं निकलें तो वहां पे हमारा क्या बनता है, कोण बनता है। हम चाहे इस प्रकार बना लें, हम ऐसे बना सकते हैं ना, तो ये सब क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, न्यून कोण दिया गया है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि न्यून कोण क्या होता है। अगर हम न्यून कोण की बात करते हैं तो न्यून कोण वह कोण होता है जिसका मान जीरो से अधिक हो, क्या हो, जीरो से अधिक हो और जीरो से अधिक हो और 90 से कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हम देखें कि क्वेश्चन में हमको दिया गया था कि कोण ए और कोण बी हमारे पास क्या है, न्यून कोण है। अगर कोण ए और कोण बी हमारा न्यून कोण है तो हमको दिया, और कास ए और कास बी का मान हमारे पास क्या दिया गया है, बराबर दिया गया है। तो अगर ये ए और बी यहाँ पे न्यून कोण है तो इसमें हम इसको देखते हैं यहाँ पे त्रिभुज के माध्यम से कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, हमारे पास यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में अगर हम बात करते हैं कि हमको दिया क्या गया था, कोण ए और कोण बी दिया गया है और कोण ए और बी हमारा क्या है, न्यून कोण है। अगर कोण ए और बी न्यून कोण है तो हम क्या यहाँ पे कोण ए को ले सकते हैं क्या, अगर हम ए यहाँ पे ले लें या बी यहाँ पे ले लें, सी यहाँ पे लें, तो क्या ये हमारा सही रहेगा, बिल्कुल नहीं सही रहेगा। अब देखिए क्यों नहीं सही रहेगा, क्योंकि अभी हमने बताया था कि जो न्यून कोण होता है वो हमारा क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है, जीरो से बड़ा होता है। लेकिन 90 से क्या होता है, 90 से ये हमारा छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे जो ये हमारा कोण बनता है कितने का बनता है, 90 का बनता है। इसका मतलब जो हमारा कोण ए है और जो हमारा कोण बी है वो कभी यहाँ पे नहीं हो सकता है। या तो हम इसको इस प्रकार से बनाएं कि यहाँ पे हम ए ले लें, यहाँ पे बी लें और यहाँ पे क्या ले लें, सी ले लें। या अगर इसका दूसरा चित्र बनाना चाहें तो दूसरा भी बना सकते हैं। दूसरा हम कुछ इस प्रकार बना सकते हैं कि या ए को यहाँ पे लिए हैं, हो सकता है कि अगर ए को यहाँ लेना चाहें तो यहाँ भी ले सकते हैं। तो हम ए को यहाँ ले लेते हैं, ए हो गया यहाँ पे, यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे सी हो गया। तो हम जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से इसको ले सकते हैं। फिर आगे अगर हम देखें तो हमको दिया गया है यहाँ पे कि कास ए और बराबर क्या है, कास बी है। अगर कास ए और कास बी दिया गया है तो इसका मतलब हमको त्रिकोणमितीय अनुपात का काम पड़ेगा। और त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हमने एक ट्रिक बताया था, उसको हम ट्रिक को जल्दी से देख लेते हैं। तो हमने ट्रिक में बताया था कि लाल बटे क्या होता है, कक्का होता है, लाल बटे कक्का। अगर हम लाल बटे कक्का की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास आधार बटे कर्ण है इससे क्या निकल के आता है, कास निकल के आता है। और लंब बटे कर्ण से क्या निकलता है, साइन निकलता है। और लंब बटे आधार से क्या निकलता है, टैन निकलता है। तो हमारे पास अभी अगर देखें तो किसका काम है, हमारे पास अभी कास का काम है। तो कास के लिए हमको क्या लेना है, आधार बटे कर्ण लेना है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे हमारे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में हम लिखते हैं सबसे पहले कि दिया है, क्या लिखते हैं, दिया है। अगर इसकी बात करते हैं दिया है तो क्या हमारे पास दिया गया है, पहले पे ये दिया है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो इसको लिख देते हैं, और आगे हमारे पास दिया गया है कि कास ए और बराबर कास बी है, तो इसको भी लिख देते हैं कि कास ए बराबर
काश भी, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है ना, तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पे कि दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और काश ए बराबर काश बी है। इसके बाद आगे हम दूसरे स्टेप में लिखते हैं सिद्ध करना है, क्या लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, अब सिद्ध करने के लिए क्या दिया गया है कि कोण ए बराबर कोण बी, तो हम इसको यहां लिखते हैं कोण ए बराबर कोण बी, ये हमने लिख दिया। अब हमारे पास तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में हम लिखते हैं सिद्ध करते हैं इसको, क्या करते हैं सिद्ध करते हैं। तो हमने यहां पे लिखा सिद्ध, और सिद्ध करने के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको क्या दिया गया है उसी से हमको निकाल के लाना है, जो हमको सिद्ध करना रहता है, जो दिया रहता है उसी से हम सिद्ध करते हैं, और लास्ट में हमको जो सिद्ध करना रहता है वो हम ला देते हैं। तो यहां पर हमारे पास दिया है काश ए बराबर काश बी, तो इसको हम लिखते हैं काश ए बराबर काश बी। तो अगर हम इसमें काश ए बराबर काश बी लें तो यहां से जो है चाहे हम इस चित्र में ले लें और चाहे इस चित्र में ले लें, तो अगर हम इस चित्र में लें तो यहां पे हमसे क्या कहा है काश ए कहा है। तो अगर हम ए के लिए बात करते हैं तो ए के लिए इसकी अपोजिट साइड किसका कार्य करेगी, लंब का कार्य करेगी, तो ये हमारे पास क्या हो गया लंब हो गया, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है कर्ण होती है, और तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी हमारी आधार हो जाएगी। तो अगर हमने यहाँ पे बताया था कि cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, और हमको लेना किसका है cos A का लेना है, तो cos A के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, मतलब AC बटे AB हो जाएगा। तो हम यहां से लेते हैं कि cos A के लिए हम क्या ले लें आधार बटे कर्ण, cos थीटा के लिए हमारे पास हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो यहां से अगर लें तो cos A के लिए आधार हमारे पास क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, आधार की बात करते हैं तो AC हो जाएगा, और अगर कर्ण की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। अब आते हैं हम काश बी पे आते हैं, अगर हम बी पे आएंगे तो बी के लिए हमारे पास ये वाली भुजा किसका कार्य करेगी लंब का कार्य करेगी, यहां पे इसको हम बना देते हैं इस चित्र में, तो ये इसके लिए ये सामने वाली भुजा किसका कार्य करेगी लंब का कार्य करेगी, और नीचे वाली भुजा ये आधार का कार्य करेगी, और ये वाली भुजा क्या हो गई कर्ण हो गई। तो अगर हमको हमको काश बी का लेना है तो काश बी बराबर हम क्या ले लेंगे आधार, और आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पे क्या है बीसी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बीसी, और अगर कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण हमारे पास क्या दिया गया है ए बी दिया गया है, ठीक, तो हम यहाँ पे लिख दिए, तो यहाँ पे हमको ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी प्राप्त हो गया। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करा लें या हम ऐसे काटना चाहें तो बराबर में अगर नीचे समान संख्याएं दी गई हैं तो उसको हम काट भी सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको ए बी से ए बी को काट देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाता है ए सी बराबर बी सी बच जाता है, क्या बचता है ए सी बराबर बी सी। तो अगर ए सी बराबर बी सी बच जाए तो हम अपने त्रिभुज में देखते हैं कि हमारे पास ए सी कहाँ है और बी सी कहाँ है, तो इसके लिए हमें एक जानकारी होना चाहिए कि त्रिभुज का एक रूल होता है कि अगर हमारे पास कोई भुजा आपस में बराबर है तो उसके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, अगर भुजाएं दो भुजा बराबर है तो उसके सामने के कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो हमारे पास हमको मिला क्या AC मिला और AC और यहाँ पे क्या मिला BC मिला, तो यहाँ पे अगर AC मिला तो AC के सामने का कोण B, तो यहाँ से हमने लिखा कोण B, और अगर BC की बात करते हैं तो BC के सामने कोण क्या है कोण A है, तो यहाँ से क्या हो गया कोण A, तो हमने यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया कोण B बराबर कोण A, या हम इसको लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि हमको सिद्ध करना था कि काश ए काश बी से हमको कोण ए बराबर कोण बी प्राप्त करना था। तो आइए हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारे पास दिया गया था कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां पे काश ए बराबर काश बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है।
तो हमने इसमें बताया था कि न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण वह होता है जिसका मान 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। तो उसका हमने चित्र बताया कि समकोण त्रिभुज में अगर ये न्यून कोण है तो यहाँ पे ये 90 है, तो ना तो हम ए को यहाँ ले सकते हैं और ना बी को यहाँ ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमने किसको ले लिया, सी को लिया, और यहाँ पे ए ले लिए और यहाँ पे बी लिया। फिर हमने लिखा कि जैसे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में सबसे पहले लिखते हैं दिया है, तो दिया है हमारे क्वेश्चन में कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है cos a बराबर cos b दिया गया है, तो उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे कि सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमको क्या दिया था, कोण a बराबर कोण b, तो हमने लिख दिया कोण a बराबर कोण b, और यहाँ पे हमने सिद्ध करना स्टार्ट किया तो cos a बराबर क्या दिया था, cos b। तो cos थीटा का फार्मूला हमने ट्रिक बताया था कि लाल बटे कक्का से देखेंगे कि cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो अगर हम त्रिभुज में अपने देखें तो त्रिभुज में हमको लेना था a के लिए, अगर a के लिए लेना था तो हम बताए थे कि a के लिए इसकी जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, लंब होगी। तो अगर ये अपोजिट साइड लंब होगी और तो हमारे पास बड़ी वाली भुजा कर्ण होगी, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो हम यहां से लिए cos a बराबर आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, तो आधार क्या है, AC है, और कर्ण क्या है, AB है। तो यहां से क्या निकल के आया, AC बटे AB। अब उसके बाद हमको B का लेना था, तो हमने इसका दूसरा ग्राफ बनाया और उसमें देख लिया कि B के लिए सामने वाली भुजा किसका कार्य करेगी, लंब का कार्य करेगी, और बड़ी वाली भुजा किसका कार्य करेगी, कर्ण का। तो नीचे वाली भुजा ये किसका कार्य करेगी, आधार का। तो B के लिए क्या होता है कि आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें हमारे पास क्या मिल गया, BC मिला, और अगर कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण क्या मिल गया हमको, AB मिल गया। तो हमारे पास यहाँ पे मिला AC बटे AB बराबर BC बटे AB। तो अगर AB से AB यहाँ पे हमने काट दिया, ये दोनों इक्वल में बराबर थे, तो यहाँ पे हमको मिला AC बटे BC। फिर उसके बाद हमने बताया कि अगर AC की बात करते हैं तो AC के सामने का कोण B था, और अगर BC की बात करते हैं तो BC के सामने का कोण A था। तो त्रिभुज का रूल होता है कि अगर दो भुजाएं बराबर हों तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो अगर AC और BC आपस में बराबर है तो इसके सामने के भी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम चाहे लिख दें कि सम्मुख भुजा के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख भुजा के कोण बराबर होते हैं, तो इस प्रकार जो है हमने इसको सिद्ध किया। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन रहा। अब जो है इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे जो है फिर से मिलेंगे। तो जो भी यहाँ पे पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे जो भी नए वीडियो आए उसका अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।